अरे हमारे पिताजी गृह मंत्री थोड़ी हैं कि हम बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाएंगे। जया शाह के पप्पा देश के गृह मंत्री हैं तो वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन गए। हम तो गरीब घर में पैदा हुए हैं, हम तो पढ़ाई लिखाई करेंगे, नौकरी करेंगे, नेतागिरी करने का फुर्सत है हमको। प्रधानमंत्री जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, दिक्कत यह है कि हम आपके टैक्स के पैसे से इस बात को पढ़ लिख करके समझ गए कि ये आदमी देश का चौकीदार नहीं है, ये अंबानी का दरबार है। इस बात को हम समझ गए कि ये जब भी कहता है देश नहीं झुकने दूंगा, हम समझ जाते हैं कि देश को बेचने का नया तैयारी शुरू कर दिया है। एक बात हमको सोच करके बताइए, कहते हैं कि किसानों की भलाई के लिए कानून लाए हैं। आए बाप, कैसा भलाई है कि किसान कह रहा है नहीं बाबूजी हमको ही भलाई नहीं चाहिए, माए बाप अपना भलाई अपने पास रख लीजिए, आई जबरदस्ती कर रहे हैं हम आपका भलाई करवे करें। थोड़ा मामला समझ लीजिए कि क्या है। कहते हैं कि विपक्ष का नेता लोग भड़का दिया किसान को, भारी बुड़बक आदमी है जी। विपक्ष का नेता अगर जनता को भड़का सकता है तो बोलिए आपका वोट लेकर के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते हैं। विपक्ष के नेता का बात कौन सुनता है, बात तो लोग मोदी जी का सुनता है। कभी मन का करते हैं, कभी दिल का करते हैं, कभी आसमान का, कभी पताल का। देश तो प्रधानमंत्री को सुनता है। चापलूसी करते करते कोई पत्रकार इतना दूर निकल जाता है कि देश का सबसे लोकप्रिय नेता नहीं बोलता है, विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता बोलता है। अरे ठीक है, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता जब इस देश के प्रधानमंत्री हो तो वो अगर एक बात आकर के बोलेंगे और नहीं बोलेंगे तो रो देंगे, जनता तुरंत उनकी बात को समझ जाएगी। एक सवाल जो वो बोल रहे हैं बार बार कि किसान नहीं समझ रहे हैं, तो आप समझा दीजिए। आप अपने कृषि मंत्री को नहीं समझा पा रहे हैं और कह रहे हैं कि देश के किसान नहीं समझ रहे हैं। जब कोई भाजपाई आपको पान के दुकान पर मिले और आपको कहे कि कृषि कानून बहुत अच्छा है तो कहिए हाँ अफसोस इस बात का है कि आपका कृषि मंत्री नहीं समझ पाई थी। याद है कि नहीं है, कृषि मंत्री इस्तीफा दे चुकी हैं। जब ये कृषि कानून आया तो इसके विरोध में वो एनडीए की कृषि मंत्री थी, कांग्रेस की कृषि मंत्री नहीं थी, वो इस्तीफा दे दी है। याद है कि नहीं है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं हुआ है ना, तो याद कर लीजिए। हम लोग देश के किसानों को नहीं भड़का रहे हैं सिपाही जी, दरोगा जी आप भी सुन लीजिए, देश के कृषि मंत्री ने कृषि कानून के विरोध में इस्तीफा दे दिया। बोलिए क्यों, क्या उनको भी समझ में नहीं आया? कानून जब लिख रहे थे तो कृषि मंत्री को कान में घुट्टी ठीक से नहीं पिलाए थे, क्यों इस्तीफा दे दिए? दूसरा बात जो बहुत जरूरी है, ये कहते हैं कि ये कानून हम इसलिए ला रहे हैं ताकि किसानों की भलाई हो, उनकी आमदनी दुगुनी हो। तो उस संबंध में एक बात आपको बता देता हूं, बिहार में 2006 में मंडी समाप्त कर दिया गया। क्या बोल करके कि मंडी समाप्त कर देंगे तो किसानों का भलाई हो जाए। आप लोग किसान हैं ना, 2006 में मंडी समाप्त हो गया, आपका भलाई हुआ? इसका मतलब यह जो सरकार कह रही है कि मंडी समाप्त कर देने से किसानों की भलाई हो जाएगी, तो आपको लगता है कि भलाई होगी? तो फिर कानून लाया क्यों गया है, ये तो समझना पड़ेगा ना। आखिर आनन फानन में ये तीन कृषि कानून इस देश में क्यों लाए गए हैं, इसका कुछ कारण हम लोगों को समझना पड़ेगा। पहला बात तो ये, जो दुकान के बाहर बड़का बड़का बोर्ड लगा होता है सेल सेल सेल, तो बुतरू लेकर के जो बच्चा लेकर के जो माए बाप जाते हैं बाजार तो सेल लिखा हुआ दुकान में सबसे पहले घुस जाते हैं, तो वहां देखिएगा लिखा रहेगा 50% फ्री, अप टू 50% का मतलब क्या होता है, 50% तक। अब बड़का बड़का जो है एड आता है अखबार में कि 30,000 में ही मोटरसाइकिल मिलेगा, हर एक माल 10 रुपया, 30,000 में मोटरसाइकिल मिलेगा,
स्टार लगा करके अखबार के कोना में तनी तनी को अक्षर में एकदम माखी मुंडी जैसा लिखा रहता है शर्ते लागू। कभी आप सोचे हैं कि ये तीन कानून एक साथ क्यों लाया गया है? अरे किसानों की भलाई करनी थी तो एक वो कानून ला करके एकदम भरपेट भलाई कर देते किसान का, ये तीन कानून साथ में क्यों लाया गया है? असल खेल यहीं पे है। पहला कानून में ये कह रहे हैं कि मंडी समाप्त कर देंगे, दूसरा कानून में कह रहे हैं कि किसानों के खेत को ठेका पे दे देंगे, और तीसरा कानून में ये कह रहे हैं कि अब एसेंशियल कमोडिटी मतलब आवश्यक वस्तुओं की भी काला बाजारी जायज होगी। समझे? अब समझ लीजिए खेला। पहला में कह रहे हैं कि मंडी समाप्त हो जाएगी, मतलब एमएसपी की गारंटी करना सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। प्रधानमंत्री जी आए बांस समेट करके पार्लियामेंट में बोले एमएसपी था है और रहेगा। हे गुरुदेव लिख दीजिए एक लाइन कानून में, क्या दिक्कत है? एक लाइन कानून में लिख देने में क्या दिक्कत है प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कि एमएसपी था है और रहेगा? क्यों नहीं लिख रहे हैं? यही पे खेल है। खेल ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये मिनिमम सेलिंग प्राइस नहीं है। जूता के दुकान में जब आप जाते हैं तो आप जूता का दाम तय करते हैं कि दुकानदार तय करता है? बोले कौन तय करता है? आ किसान अपने फसल का दाम तय कर सकता है? क्यों? टमाटर आप अपने खेत से तोड़ लीजिएगा, हम फैशनेबल के सामने हैं गुरु, हम किस खेती किसानी देखे हैं। टमाटर आप अपने खेत से तोड़ लीजिएगा, बाजार लेकर के जाइएगा, बाजार में जो आपको कीमत मिलेगा उसी कीमत पे आप बेच करके लाइएगा। आपके पास कोई उपाय है? टमाटर को कितना दिन आप घर में रख सकते हैं? टमाटर जो है काला धन तो नहीं है कि उसको गद्दा के नीचे रख देंगे 4-5 साल के लिए? नहीं रख सकते हैं ना। तो टमाटर का दाम हम नहीं तय करेंगे, टमाटर का दाम कौन तय करेगा? खरीदने वाला तय करेगा। इसीलिए सरकार ने ये कानून बनाया था जिसके बारे में पूर्व कृषि मंत्री आपको बता रहे थे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया गया कि जिसको खरीदना है खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम पे खरीद नहीं होगी। इसका क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब होता है कि बीएसएनएल अगर रहेगा ना तो जियो जबरदस्ती धनाधन नहीं कर पाएगा। समझ लीजिए, अगर सरकारी स्कूल रहेगा तो जबरदस्ती प्राइवेट स्कूल आपके आपके कालर को पकड़ करके आपके बेटा से टाई का दाम नहीं वसूल पाएगा। अगर सरकारी रेलवे रहेगा तो जबरदस्ती बस वाला आपके साथ रंगबाजी नहीं कर पाएगा। इस बात को समझिए कि सरकारी चीज का होना क्यों जरूरी होता है। सरकारी चीज का होना इसलिए जरूरी होता है कि सरकारी चीज के दाम के अनुपात में ही प्राइवेट वालों को अपना दाम रखना पड़ता है। अरे जिसके पास पैसा है वो तो किसी प्राइवेट अस्पताल में जाकर इलाज करा सकता है, जिसके पास पैसा है वो तो किसी प्राइवेट स्कूल में जाकर के अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, और जिसके पास पैसा है वो अपने घर पे ही चाहे तो जियो का टावर लगवा सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? स्विमिंग पूल अगर हमको पैसा होगा तो हम घर में स्विमिंग पूल बनवा लेंगे, लेकिन आप अगर नदी बेच दीजिएगा और कल को अगर हम भैंस धोने के लिए जाएंगे तो सिपाही जो वहां डंडा लेके खड़ा हो जाएंगे पहले टैक्स दो तब भैंस धोने देंगे। इस बात को समझिए कि पूरा मामला क्या है। मामला ये है कि बीएसएनएल जब बिक गया, बीएसएनएल जब आज नहीं है तो जियो को आज मन है तो 500 रुपया ले रहा है और कल मन होगा तो 5000 रुपया लेगा। आप क्या कर लीजिएगा? इस बात को आप समझिए कि एमएसपी यदि समाप्त हो जाएगी तो कल को अगर वो आपसे 5 रुपये किलो ले लेगा धान तो आप क्या कर लीजिएगा? तो किसानों को उनके फसल की सुरक्षा के लिए एमएसपी का की व्यवस्था की गई, और वो भी एमएसपी ऐसा नहीं है कि हर चीज पे एमएसपी मिलता है। केला पे एमएसपी मिलता है क्या? टमाटर पे एमएसपी मिलता है क्या? गोभी पे एमएसपी मिलता है क्या? सरसों पे एमएसपी मिलता है क्या? मात्र 27 फसलों के ऊपर एमएसपी मिलता है।
और उसकी भी खरीद का अगर आप हिसाब किताब देखिएगा तो मध्य प्रदेश में इस बार 1,30,00,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। बताइए बिहार में कितना हुआ है, अंदाजा लगाइए। पत्रकार लोग बताइए, यानी लोग हैं आप लोग, बताइए कितना हुआ है। 5,000 मीट्रिक टन। कितना? 5,000 का है। हमारा गेहूं गोबर है क्या? हमारे गेहूं से आटा नहीं बनेगा? हमारे गेहूं से रोटी नहीं फूलेगा? हमारे गेहूं से बिस्कुट नहीं तैयार होगा? क्यों ऐसा हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि हमारे राज्य में MSP की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसान कह रहे हैं कि आप हमको भी बिहार के किसानों जैसा बना देना चाहते हैं। यह बात तो सच है। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा दुर्दशा अगर कहीं के किसानों की है तो वो बिहार के किसानों की है। अपना गेहूं काट लेते हैं तब पंजाब का धान काटने के लिए जाते हैं, या पंजाब का धान काट लेते हैं तब अपना धान काटने के लिए आते हैं। यही सच्चाई है ना। और जो दूसरा कानून है, ये तो पहला MSP वाली बात हो गई और कोई झंझट नहीं है। प्रधानमंत्री अगर कहते हैं कि MSP था, है और रहेगा तो एक लाइन लगेगा, ज्यादा इंक भी खर्च नहीं होगा। एक लाइन लिखने में कितना देर लगेगा? एक लाइन लिख दे कि MSP से कम पे किसी भी फसल की खरीद नहीं होगी, अगर खरीद होगी तो यह आपराधिक होगा और जो लोग ये काम करेंगे उनके ऊपर मुकदमा किया जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा। इसको लिखने में कोई दिक्कत है क्या? सरकार क्यों नहीं लिख रही है? सरकार अगर लिखेगी ना तो मार जूता जूता इनका मुंह फुला देगा। कौन 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 मुंह फुलाएगा? और ये जो दिन रात भजन होता है मोदी मोदी, ये भजन बंद हो जाएगा क्या? उस चैनल का मालिक कौन है? उस चैनल का मालिक कौन है? तो सरकार जिसकी करती है दरवानी उसी का है चैनल, और जिसका है चैनल वही आज आज आने वाले समय में क्या खरीदना चाहता है? आपका खेत, आपका फसल, आपकी किसानी, आपकी खेती, और आपको क्या बनाना चाहता है? आपके ही खेत पर गुलाम। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इतवार को कानून पास हुआ है क्या सर? इतवार को कानून पास हुआ है, और जिस दिन कानून पास हुआ है उससे दो दिन के बाद रिलायंस रिटेल ने 50,000 करोड़ का अपना शेयर बेचा है। कितना? क्या को सुनना हुआ 50,000 करोड़ का? क्या को सुनना हुआ? गिनती कर लीजिएगा। 50,000 करोड़ का शेयर बिका है किसका? रिलायंस रिटेल का। पूर्णिया में को रिलायंस रिटेल का दुकान देखे हैं? है एगो, एडवांस जिला है तब आप। दूगो लोग कितना है यहाँ पे? 3 गो। और कितना शेयर बिका है? 50,000 करोड़। और कितना फल का दुकानदार है? फल का क्या गो रेडी लगता है पूर्णिया में? गिने हैं? है गिनती? क्या गो आलू का दुकान है? है गिनती? क्या जगह गेहूं मिलता है? गल्ला का दुकान है? गिनती? तो आप गरीब से गरीब होते जा रहे हैं और चोड़वा अमीर से अमीर होते जा रहा है। और ये हमको समझ में नहीं आए, इसीलिए शाम को टीवी पे बैठ करके एगो टोपी पहन लेगा, एगो तिलक लगा लेगा, मोर तलवार निकालेगा टीवी पे, नकली बॉक्सिंग करेगा वहां पे। एक तरफ देश की लूट, देश के किसानों की लूट, देश के मजदूरों की लूट, देश के यूनिवर्सिटीज की लूट, देश के रेलवे की लूट, देश के LIC की लूट, देश के BSNL की लूट। एक तरफ देश की संपत्ति लूटी जा रही है और दूसरी तरफ क्या किया जा रहा है? हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद टीका टोपी दाढ़ी। बताइए।